हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सिविल प्लस आईटी टेक्नो। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोया के माइक के बारे में। दोस्तों यह है मेरे पास बोया का माइक जिसका मॉडल नंबर है VY-M1। दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने इसकी डिस्क्राइब कर दिया है कि ये कैसे काम करता है, इसके फीचर्स के बारे में बता दिया है, और ये हम यूट्यूब के लिए बेस्ट माइक है जो यूज़ करते हैं मोस्टली वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं इसका दिखाऊंगा क्योंकि मेरे एक दोस्त को प्रॉब्लम हो रही थी, उसको बोया का माइक जो है वो अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना नहीं आ रहा था, उसे नहीं पता चल रहा था कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ से आपको इसका यूज़ करके दिखाऊंगा और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ फीचर्स भी बता दूंगा, सेटिंग्स है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका कनेक्टर लेना है। हमारे पास इसका एक कनेक्टर है, इसको क्या करना है, हमें लगाना है अपने लैपटॉप में। लैपटॉप में लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसका नॉर्मली हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारे बोया में एक बटन दिया हुआ है, जब भी आप लैपटॉप में इसका यूज़ करें स्मार्टफोन के अलावा, ठीक है दोस्तों यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, एक में कैमराज का ऑप्शन है, एक में स्मार्टफोन का ऑप्शन है। तो दोस्तों जब भी आपने इसे लैपटॉप पे यूज़ करना है, आपको जो हमारे पास ये जो बटन है ये यहाँ पे ऊपर की तरफ कर देना है, जिससे कि ये कैमराज का सेटिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको हमेशा यहाँ रखना है, जब भी आप PC के लिए यूज़ करें या लैपटॉप के लिए यूज़ करें तो ये आपका ये स्विच है वो कैमरा की तरफ ही होना चाहिए, ऊपर की तरफ आपको इसका रख के रखना है हमेशा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने लैपटॉप पे जाना है, लैपटॉप पे जाने के बाद दोस्तों आपको करना है सिंपली साउंड के ऑप्शन पे क्लिक। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास साउंड का ऑप्शन है, यहाँ से आपको साउंड के आइकन के ऊपर जाके राइट क्लिक करनी है और उसके बाद आपको जाना है साउंड्स पे। साउंड्स पे जाने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्डिंग पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे डबल क्लिक करनी है और यहाँ से आपको लेवल सेट कर देने के। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसको 100 कर रखा है, आपको भी यहाँ से 100 करना है और जो आपका माइक्रोफोन बूस्ट है वो आपको 20 की जगह पर यहाँ पर 10 कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप इसको ओके कर देना है। उसके बाद अगर दोस्तों यहाँ से भी आपका काम नहीं चलता तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से इसको कॉन्फ़िगरेशन पे डालना है। कॉन्फ़िगरेशन पे डालने के बाद आपको यहाँ पे सेट एज माइक्रोफोन के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से आपको क्लिक करना है और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो भी तीन फीचर्स दिए हुए हैं इसमें से जो भी आपका माइक्रोफोन है या जिस तरह का भी आप यूज़ कर रहे हैं आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आपको ये क्लिक करके दिखाता हूँ, ये डेस्कटॉप का मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ और उसके बाद हमें दोस्तों यहाँ से करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक लाइन ऊपर लिखी आ रही है, हमें वो लाइन प्रोनाउन करनी है। प्रोनाउन करने के बाद ही जो यहाँ पर हमें इसको नेक्स्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना है आपको, पीटर डिस्टैक्स टू हिज कंप्यूटर, ही प्रेफर इट टू टाइपिंग एंड पर्टिकुलरली प्रेफर इट टू पेन एंड पेपर। तो दोस्तों उसके बाद इसको यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है, उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको बाद में फिनिश का इसका ऑप्शन दबा देना है। उसका दोस्तों आपको यहाँ से चेक करना है, इस पर जाके साउंड्स पे रिकॉर्डिंग पे आप गए, यहाँ से देखिए दोस्तों ये जो हमारा है ये सेट हो चुका है। दोस्तों मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे कुछ लैपटॉप्स में जो हमें जो पोर्टल दिया होता है कनेक्टर लगाने के लिए या फिर माइक्रोफोन या फिर स्पीकर लगाने के लिए, तो दोस्तों कुछ स्पीकर के होते हैं, कुछ माइक्रोफोन के होते हैं, कुछ ऑडियो डिवाइस के लिए होते हैं और कुछ पर्टिकुलर अलग आइटम्स के लिए होते हैं। तो जो मेरे पास लैपटॉप है इसमें दोस्तों ये स्पीकर के साथ में माइक्रोफोन का दोनों कंबाइन है। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको पहले फीचर दिखाया था कि आपको जो
बोया का जो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है वो कैमरास पे सेलेक्ट करके रखना है। दोस्तों मैं यहाँ पे स्मार्टफोन के लिए भी आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है ये इसको भी पकड़ता है। शायद आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आई होगी, जब आप इसमें कैमरा पे सेलेक्ट करते होंगे तो वहाँ से आपका जो माइक टेस्ट है वो नहीं हो पाता था। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, आप इसे ईजिली, सेकेंड ऑप्शन भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप इसको देख सकते हैं और आप इसको माइक टेस्ट करवा सकता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पे दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ से मैं जो ये जो बटन है वो कर देता हूँ यहाँ पे नीचे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम फिर से वही सेम प्रोसेस करते हैं अपनी। हमें यहाँ जाना है साउंड्स पे, उसके बाद हमें यहाँ पे करनी है राइट क्लिक, उसके बाद हमें यहाँ पे आना है साउंड्स पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको सेम इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग पे जाना है। आप रिकॉर्डिंग पे जाएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में यहाँ पे ये जो माइक है ना एट फ्रंट पैनल पे ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो उस समय क्या करना है, इस पर करना है डबल क्लिक, उसके बाद हमें लेवल पे जाना है, उसके लेवल चेक करनी है, लेवल हमारे ठीक है दोस्तों यहाँ पे, उसका हमें यहाँ पे ओके कर देना है इसको। उसके बाद हम यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे दोस्तों, उसके बाद सेट एज माइक, और यहाँ पे हमारा ये सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसको, नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद हम सेम इसको प्रोनाउन करेंगे, पीटर डिस टाइप टू हिज कंप्यूटर, ही प्रेफर्स इट टू टाइपिंग एंड पर्टिकुलरली प्रेफर इट टू पेन एंड पेपर। उसका हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है, फिर यहाँ फिनिश कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसे ओके कर देंगे। हेलो हेलो हेलो। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं जब मैं इस पे यहाँ पे माइक पे क्लिक करूँगा तो आप देख पाएंगे सामने वो है जो लाइन पूरा हमारा माइक पिक कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे साउंड्स माइक का ठीक है, माइक टेस्टिंग हमारी हो चुकी है, वो प्रॉपर वहाँ पे इंक्रीज हो रही है लाइन जैसे आप इस पे प्रेस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो माइक टेस्टिंग थी वो यहाँ पे ठीक हो चुकी है। दोस्तों मैं आपको सिंपल बताना चाहूँगा कि ये जो बोया का माइक है वो आप यहाँ पे जो मेरे को बटन दिया हुआ है बोया का, मैं आपको बताया था इसका कुछ रीज़न है। यहाँ पे आपको दो तरीके के ऑप्शंस हैं, एक कैमराज का है, एक ऑफ स्मार्टफोन का है। दोस्तों कुछ लैपटॉप्स में होता है कि दोनों ऑडियो और माइक्रोफोन के जो यहाँ पे पोर्टल दिए होते हैं जिसमें आपको कनेक्टर लगाना है वो सेम होते हैं, एक ही दिया होता है दोनों का, तो आप जब इसको कैमरे पे करते होंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आती होगी बेसिकली कि आपका कनेक्ट नहीं होता होता और आपका जो साउंड टेस्टिंग है माइक्रोफोन का वो। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, वीडियो को देखने के आपका धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे जो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस हैं उनको आपको इजीली मिल सकें, सबसे पहले देख सकें आप उसको, और इनके रिगार्डिंग मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा। मैंने अनबॉक्सिंग का इसमें वीडियो डाला है बोया का, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका वीडियो का। तो इस वीडियो को देखने के धन्यवाद, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।